हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। दोस्तों मिशन अब्रॉड यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है कि टेम्प्ररी फॉरेन वर्कर्स के बारे में। अगर आप टेम्प्ररी फॉरेन वर्कर हैं, खासतौर पे अगर हम कनाडा में वर्क करने जाते हैं तो वी आर कॉल्ड टेम्प्ररी फॉरेन वर्कर। तो फॉरेन वर्कर के बारे में कुछ क्वेश्चन हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो घंटे का बटन आपको दिख रहा है उसको जरूर दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। ओके, तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप टेम्प्ररी फॉरेन वर्कर अपने साथ अपने स्पाउस को और किड्स को लेके जा सकते हैं? जी हाँ, इसका आंसर है कि आप अपने साथ अपने स्पाउस को लेके जा सकते हैं। ठीक है, कुछ केसेस हैं जिसमें नहीं लेके जा सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे लेटर। और जो अगर आप अपने स्पाउस को अपने साथ लेके जा रहे हैं तो फिर ये एक बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। आपकी स्पाउस कैनेडा में एज ओपन वर्क परमिट में काम कर सकती हैं। ठीक है, और कुछ केसेस जो नहीं हैं उसमें क्या है कि आप अगर आपका जो जॉब ऑक्यूपेशन है NOC सी और डी कैटेगरी में आता है और हो सकता है आपको यहाँ पे ऑप्शन ना मिले अपनी वाइफ को अपने साथ लेके आने का। खासतौर पे अगर आप फार्म वर्कर में हैं, लेबर जॉब में आते हैं, तो इस केस में आपको यहाँ पे फॉरन वो ओपन वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपकी वाइफ वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो कुछ केसेस में आप नहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, आप फर्दर डिग कीजिएगा इसके बारे में, बट मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम बात करें कि अगर आप स्किल वर्कर कैटेगरीज में आते हैं, 0A B में आते हैं, तो फिर आप ऑलरेडी लेके जा सकते हैं। या फिर अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने साथ अपनी 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 स्पाउस को लेके आ सकते हैं तो फिर आप लेके जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट ये डिपेंड करता है आपकी ऑक्यूपेशन पे। खासतौर पे अगर आप लेबर कैटेगरी में आते हैं तो हो सकता है आपको यहाँ पे ना का ऑप्शन देखने को मिले। ठीक है, और इसके बाद है कि आप क्या अपने साथ अपनी अपने किड्स को लेके जा सकते हैं कैनेडा? जी हाँ, आप अपने साथ अपने किड्स को भी लेके जा सकते हैं, बट इसके लिए हो सकता है आपके किड्स को यहाँ पे स्टडी परमिट की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको अगर आपके किड्स छोटे हैं तो यहाँ पे स्टडी परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर वो स्कूल जाने वाले नहीं हैं तो फिर आपको स्टडी परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट अगर आपके किड्स स्कूल जाने वाले हैं तो फिर आप कैनेडा के फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ का बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए स्टडी परमिट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, स्टडी परमिट कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, कहाँ से आप अप्लाई करेंगे, इसके लिए आपको फर्दर डिगिंग करनी पड़ेगी। मैं अगली जो सीरीज स्टार्ट करूँगा स्टडी परमिट से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, कैसे आपने स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें मैं अपने वीडियोज में बताता रहूँगा आगे। बट जो मेन क्वेश्चन था कि क्या आप अपने साथ अपने स्पाउस को और किड्स को लेके जा सकते हैं, जी हाँ, अपने स्पाउस को और किड्स को लेके जा सकते हैं ताकि आप अपने फैमिली के साथ यूनाइट होके रह सकें। और सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि आप अपने स्पाउस को अगर लेके जाते हैं तो स्पाउस को आपका वर्क ओपन वर्क परमिट मिल जाता है और साथ में आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं और फैमिली को अच्छे से रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट है कुछ अपने फॉरेन वर्कर्स के लिए। अगर आप PR हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आप इजीली लेके जा सकते हैं, कोई भी ट्रबल नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो लो कैटेगरी में आ जाते हैं, लो कैटेगरी जॉब्स में जाते हैं, सी और डी कैटेगरी में, तो हो सकता है आपको यहाँ पे अपने साथ स्पाउस को लेकर जाने का मौका ना मिले। बट इसके लिए मैं अभी पूरे ऑक्यूपेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पे आपको अपने स्पाउस को लेके जाने की परमिशन नहीं होती है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका ये जो क्वेरी था स्पाउस और किड्स को कनाडा लेके जाने का, तो वो सॉल्व हो गया है। तो टेम्प्ररी फॉरेन वर्कर्स जो हैं कनाडा में अपना लेके जा सकते हैं स्पाउस और किड्स को। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करें।